हे गाइस, वेलकम बैक टू सुनी अनसुनी कहानियाँ और मेरे सभी लिसनर्स को मेरा प्यार भरा हाय। और आज वॉकिंग वेनसडे में मैं बात करूँगी कुछ मिस्टीरियस थिंग्स को लेकर, कुछ मिस्टीरियस चीज़ें जो आज तक मिस्टीरियस ही रही हैं या हम लोगों को कुछ पता नहीं है। आई नो बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी आज मैं बात करूँगी पैरेलल वर्ल्ड के बारे में। हम सब बहुत एक्साइटेड होते हैं सब चीज़ों के बारे में जानने को। जो पैरेलल वर्ल्ड, आज मैं पार्ट वन बताऊंगी इसमें, तो शुरू करती हूँ। सबसे पहले जो पैरेलल वर्ल्ड है, वो कैसे कनेक्टेड है। हर चीज़ जो है इस दुनिया में वो कनेक्टेड होती है, लेकिन आज मैं बात करूँगी जो पैरेलल वर्ल्ड है या फिर जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ कैसे कनेक्टेड होती है। और कहा जाता है कि ये सिर्फ पैरेलल वर्ल्ड ही नहीं, हम इसे मल्टीपल यूनिवर्स बोलते हैं, क्योंकि एक नहीं बहुत सारी मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं। तो पैरेलल वर्ल्ड की शुरुआत या हमारे यूनिवर्स की शुरुआत जो कहते हैं, इस ब्रह्मांड की शुरुआत तब हुई जब धरती पे कोई लाइट नहीं थी, कोई टाइम नहीं था, टाइम लाइट एग्जिस्ट ही नहीं करते थे और कोई भी पार्टिकल्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो कहते हैं एक पॉइंट पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, तब जाके जो ये यूनिवर्स है वो क्रिएट हुआ। मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ एटम्स में जो है चीज़ें बट गई, फिर जाके जो है मल्टीपल यूनिवर्सेस क्रिएट हुए, या कहिए ये हमारा ब्रह्मांड जो है ये बना। अगर कहा जाता है कि हम वो जो एटम्स हैं अलग अलग तरह के, जो अगर हम ह्यूमंस जो हैं वो उन एटम्स के बारे में जान ले, हर एक एटम की नॉलेज हम लोगों को अगर हो जाए, आ जाए हम लोगों के अंदर, तो हम अपना फ्यूचर भी जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो बता सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो हम अभी कर रहे हैं वो प्लान्ड है। हम हर एक एटम के बारे में हम ह्यूमंस जो हैं कभी भी नहीं जान पाते। अगर जान पाएंगे तो हम फ्यूचर प्रिडिक्ट आसानी से कर लेंगे, इसलिए हम नहीं जान पाते हैं। हम कोशिश तो बहुत करते हैं बट स्टिल नहीं होता हम ह्यूमन से। और जो हम इस टाइम जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसे मैं ये आपको बता रही हूँ या जो आप मेरी ये चीज़ें सुन रहे हैं या जो भी एवरीथिंग जो भी आप कर रहे हैं वो पहले से ही प्लान्ड होता है। तो अब हम जानते हैं इसकी थ्योरीज के बारे में। अकॉर्डिंग टू मैनी इंटरैक्टिव वर्ल्ड थ्योरी जो है उसमें बताया गया है, जो हमारा ब्रह्मांड है वो मल्टीपल यूनिवर्सेस में से एक है, जो कि सेम पॉइंट पे और सेम टाइम पे एग्जिस्ट करता है। और जो पैरेलल वर्ल्ड है वो एग्जैक्टली जो है वो उतना ही सेम है जैसा कि हमारी दुनिया, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है हम उस जो पैरेलल वर्ल्ड है, जो दूसरी दुनिया है, हम ना उसको देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है हम उसे कुछ नहीं हमें पता होता उसके बारे में, क्योंकि वो डिफरेंट एक अलग डायमेंशन में हो रहा है वो चीज़, एक अलग ही ब्रह्मांड में, एक अलग ही दुनिया में, अगर है तो एक अलग ही ब्रह्मांड में हो रहा है, एक अलग ही टोटली डिफरेंट डायमेंशन में हो रहा है, इसलिए हमें उस चीज़ के बारे में कुछ ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। और जो हमारा ये वाला ब्रह्मांड है इस अर्थ पे, हम जो कुछ भी करते हैं इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है वो सेम चीज़ें हम दूसरे यूनिवर्स में भी कर रहे हैं। पैरेलल यूनिवर्स में बिल्कुल भी सेम चीज़ें कुछ भी नहीं चल रही होती। हम यहाँ पे कुछ और कर रहे हैं, वहाँ पे हम कुछ और कर रहे होंगे, मे बी हम यहाँ पे जैसे भी कुछ भी, जैसे हम घूम रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हम चाहे उस टाइम सो रहे होंगे या कुछ और कर रहे होंगे, डिफरेंट टोटली डिफरेंट यूनिवर्स में और टोटली डिफरेंट चीज़ें थिंग्स जो हैं हम कर रहे हैं जो हमें पता भी नहीं है। इसलिए जो है पैरेलल यूनिवर्स जो है टोटली डिफरेंट यूनिवर्स है। अक्सर जब हम पैरेलल वर्ल्ड की बातें करते हैं तो हम बहुत फैसिनेट हो जाते हैं, हम बच्चे, हम सोचने लग जाते हैं कि कैसा होगा पैरेलल वर्ल्ड, हम अलग चीज़ें थॉट में ले आते हैं, अलग चीज़ें इमेजिन करने लग जाते हैं, हम सोचने लग जाते हैं कि कैसा होगा, क्या हो रहा होगा वहाँ पे, हम जो है वो क्या कर रहे होंगे या कैसी दुनिया होगी वहाँ की, वहाँ पे जाने का कोई रास्ता होगा या पोर्टल होगा कोई वहाँ पे जाने का, हम डिफरेंट चीज़ें हम अपनी इमेजिनेशन में खो जाते हैं, हमें बहुत
क्यूरियोसिटी होती है इस चीज़ को जानने की कि क्या है वहाँ पे, क्या नहीं है, कैसा होगा, हम अपने थॉट्स में खो जाते हैं। मगर कहा जाता है कि यहाँ पे जो है एक ही पैरेलल यूनिवर्स नहीं है, मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, जो वो भी इसलिए हम कहते हैं कि विच इज़ पैरेलल एंड ऑल हैव डिफरेंट लॉ ऑफ फिज़िक्स, कि जो है सब पैरेलल हैं एक दूसरे के, और सब के अंदर जो लॉ ऑफ फिज़िक्स है वो अलग अलग आ जाती है, उनकी ग्रेविटी, एवरीथिंग, उनका नेचर, उनका क्लाइमेट, वहाँ का ह्यूमन, सब कुछ, ह्यूमन नेचर, सब कुछ अलग है वहाँ पे। पैरेलल यूनिवर्स तो है लेकिन वेदर, क्लाइमेट, नेचर, हर एक चीज़ जो है वो डिफरेंट है। कहीं जो है बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि ये सब एक फिक्शन है, बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो ये भी बिलीव करते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स जो है सिर्फ एक साइंटिफिक फिक्शन है। सिर्फ इसलिए वो कहते हैं फिक्शन है क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। जो हमारे कॉस्मोलॉजी है, जॉर्ज एलिस, जिनका पूरा नाम है जॉर्ज एफ आर एलिस, वो ये यकीन करते हैं कि यहाँ पे पैरेलल यूनिवर्स है ही नहीं, क्योंकि उनको यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इसे यकीन नहीं हुआ क्योंकि उनको कोई प्रूफ नहीं मिला, किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं मिली। लेकिन इन 2012 में जो क्वांटम फिजिसिस्ट हैं डॉक्टर एस हरोके एंड डॉक्टर डी विनलैंड, डॉक्टर हरके भी आप उसको पढ़ सकते हैं, उन्होंने नोबल प्राइज़ रिसीव किया अपने एक्सपेरिमेंट्स को लेके, जो कि एक्सपेरिमेंट ये शो कर रहा था कि जो एक ही पार्टिकल है वो एक ही समय में अलग अलग जगह पे हो सकता है। ए पार्टिकल कैन बी एट टू डिफरेंट लोकेशंस एट सेम टाइम, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें नोबल प्राइज़ मिला था। और एक क्वांटम की इंट्यूशन एक्सप्लेन करती है इस चीज़ को कि एनर्जी इज़ एवरीथिंग। गाइस, हम बोलते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी रखो अपने अंदर, ये सच है कि जो एनर्जी है वो सब कुछ है। एनर्जी जो है वो कनेक्ट करती है हर एक चीज़ के साथ। एनर्जी के अंदर इंफॉर्मेशंस हैं, अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एग्जिस्ट करता है उस एनर्जीज के अंदर साइमल्टेनियसली। और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, एक थ्योरीज तो ये भी कहती है, थ्योरी तो ये भी कहती है कि टाइम जो है पैरेलल यूनिवर्स में बैकवर्ड चलता है। तो साइंटिस्ट ने ये सजेस्ट किया कि जो हमारे डायमेंशंस हैं उन्हें अलग अलग रूल्स के हिसाब से या कुदरत के कानून के हिसाब से डायरेक्ट किया गया है, उधर के लॉ जो है, कुदरती लॉज जो है, उनके हिसाब से उन्हें बैकवर्ड टाइम चलने के लिए कहा गया, और हमारा जो ब्रह्मांड है इसे आगे की तरफ फॉरवर्ड टाइमिंग में चलने के लिए कहा गया है। इस तरह से और भी पैरेलल यूनिवर्स को लेके अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग बातें जो है वो कही गई हैं। गाइस, ये जो ब्रह्मांड है वो बहुत बड़ा है, अनइमेजिनेबल, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना बड़ा है ये ब्रह्मांड। क्या आप, मतलब क्या आप कभी गाइस छत पे खड़े हुए हैं, क्या छत पे खड़े होके कभी सेंटर में स्पेशली क्या खड़े होके आपने कभी ऊपर आसमान की तरफ देखा है 5-10 मिनट कॉन्टीन्यूसली बैठ के या खड़े होके? जब हम कॉन्टीन्यूसली उसे 5-10 मिनट तक देखते रहते हैं तो इतना बड़ा, इतना विशाल आसमान को देखे हमें घबराहट होने लगती है। तो सोचिए ये ब्रह्मांड जो है कितना बड़ा, कितना विशाल है, और उसके बारे में हम जितना जाने उतना कम है। और कहते हैं कि अगर हम इस ब्रह्मांड को मिलियन, ट्रिलियंस, बिलियंस पीछे ले जाएं, बहुत कहीं पीछे ले जाएं, कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, कैसे ये ब्रह्मांड बना, कैसे एग्जिस्ट करता है, हम उस चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं बता सकते क्योंकि हम उन्हें, हमें उन चीज़ की नॉलेज नहीं है। कैसे बना, क्यों बना, कब बना, नहीं बता सकते, हमें नहीं पता। तो ये सब चीज़ें जो है गाइस बहुत फैसिनेट करती हैं लोगों को, पैरेलल वर्ल्ड, ये ब्रह्मांड के बारे में जानना। हम इमेजिनेशंस की दुनिया में चल जाते हैं, इमेजिन करते हैं। तो अब तक जो है कहीं ना कहीं साइंटिस्ट ने प्रूफ किया भी है कि पैरेलल यूनिवर्स है, लेकिन पहले जो है साइंटिस्ट मानते भी नहीं थे। ये अब तक एक मिस्ट्री बनी हुई है, हम बता नहीं सकते कि क्या है, क्या नहीं है, है या नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको पैरेलल वर्ल्ड के बारे में जानने का या पढ़ने का शौक है, ये तो मैंने 2 नॉवल्स के बारे में यहाँ पे डाला हुआ है जिसमें पैरेलल वर्ल्ड्स के बारे में बताया गया है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। और मैं सेकंड पार्ट में लेकर आऊँगी जो कि फॉरवर्ड फ्राइडे में आएगा, उसमें बताऊँगी मैं पैरेलल वर्ल्ड से ही रिलेटेड एक इंसान जिसका नाम वासु बहनोट है, उसकी कहानी जो कि इंडिया की फर्स्ट पैरेलल यूनिवर्स से रिलेटेड एक स्टोरी है, वो मैं आपको बताऊँगी। तो गाइस, आपको आज के बारे में जान के कैसा लगा, कैसी लगी आपको आज की इन्फॉर्मेशन या ये मिस्टीरियस बातें,
पार्लर वर्ल्ड के बारे में और आप क्या सोचते हैं। प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ, स्टे कनेक्टेड, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए स्प्रेड लव।